चार मनाव नियुक्त एसपी मनीष कुमार चौधरी ने गुरुवार को सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक ली। सिटी थाना परिसर में आयोजित बैठक में थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के साथ शांति समिति सदस्यों ने भाग लिया। परिचय सेशन के बाद एसपी चौधरी ने शांति समिति सदस्यों के साथ शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए सदस्यों से समाज सेवा के परिचय सेशन के बाद एसपी चौधरी ने शांति समिति सदस्यों के साथ शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए सदस्यों से समस्याओं के समाधान भी सुने। बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने एसपी चौधरी की ओर से वर्तमान में पार्किंग व यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। इस दौरान समिति सदस्य नितेश गोयल ने शहर की छोटी छोटी गलियों में भी हो रहे अतिक्रमण को हटाने, रमेश यादव ने शहर के चांग गेट तथा अजमेर गेट के आसपास में स्थित नगर परिषद की दुकानों का रंग रोगन करवाने, मूल्य लोकारी ने मोहनी प्लाजा के आसपास की पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करवाने, राम पंजाबी ने शहर के सभी कॉम्प्लेक्स मालिकों को पार्किंग व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करने का सुझाव दिया। इसी प्रकार अन्य सदस्यों ने रात्रि के समय होने वाली चोरियों को भी ध्यान में रखते हुए शहर के बाजारी बाहरी क्षेत्रों में भी पुलिस गश्त बढ़ाने तथा शहर में तेज आवाज वाली बाइक मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की भी मांग की। इसी प्रकार शहर के मिशन कंपाउंड के बाहर निवास करने वाले खानाबदोश परिवार को वहां से खदेड़ने तथा चांग की यातायात व्यवस्था को सुधारू बनाए रखने के लिए चांग गेट बस स्टैंड को कॉलेज रोड पर आगे शिफ्ट करवाने की मांग की। बैठक में गणपत बालोटिया, सुरेश वैष्णव, नितेश कोयल, शरेश सोनी, रमेश यादव, राम पंजाबी, पप्पू पहलवान, महेश खत्री, रिंकू जेदिया, अशोक मुंद्रा, रामस्वरूप डागर, अनिल शर्मा, दिलीप सिंह, मुरली तिलोकानी तथा प्रीति शर्मा आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद सीएलजी सदस्यों ने डिप्टी मनीष चौधरी का माला पहना कर स्वागत किया। ब्यावर सिटी की जो सीएलजी सदस्यों की जो कमेटी है उसकी मीटिंग हमने ब्यावर सिटी थाने के अंदर ली, और आज जैसा कि पहला सीएलजी मीटिंग थी तो पहले इंट्रोडक्शन लिया मैंने, सबसे बातचीत करी कौन कहाँ रहता है क्या करता है, और उसके बाद में जो भी ब्यावर सिटी की जो समस्याएं हैं उनको सुना और उनका कोई ना कोई समाधान निकालने का ट्राई किया। मूल समस्या है ट्रैफिक की, जैसे आपको पता है कुछ चोरियाँ बढ़ रही हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद ट्रैफिक की समस्याएँ हैं, पार्किंग की हैं, थोड़ा अतिक्रमण किए हैं, तो यही समस्याएं कुछ जो है वो डिस्कस हुई थी।